आखिर सलमान खान से दोस्ती के चलते किस किस को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये सवाल उठ रहा है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार। दशहरे पर रात 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। इसके कुछ घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पोस्ट में साफ साफ सलमान खान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा कि दाऊद इब्राहिम और सलमान खान से जो जो दोस्ती रखेगा उन्हें तो इस दुनिया से अलविदा कहना ही पड़ेगा। इसके बाद से बाबा सिद्दीकी की मौत की जांच लगातार पुलिस कर रही है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती का अंदाजा आप लगा सकते हैं, किस तरह इस घटना के बावजूद, सलमान खान को लाख मना करने के बावजूद वह बार बार सिर्फ बाबा सिद्दीकी के घर इस मुश्किल समय में पहुंचे। सबसे पहले दशहरे की रात ही वह अस्पताल गए, इसके बाद आज जनाजे में शामिल होने भी गए। सलमान खान के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रही हैं वह इस समय कितने तनाव में है। उनके दोस्त गए जाने का गम उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है। दूसरी ओर सलमान खान का परिवार भी लगातार चिंता में है। जो लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई महीनों से उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, आखिरकार उसने इतने बड़े कद्दावर नेता को मौत के घाट सुला ही दिया। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई लगातार 5 से 6 बार मौत की धमकी दे चुका है, जान से मारने की धमकी दे चुका है। उनके पिता सलीम खान को भी धमकी आ चुकी है। सलमान खान को इस समय जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें ये सुरक्षा मुहैया करवा रखी है। एकनाथ शिंदे खुद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर कई बार बयान भी दे चुके हैं। सलमान खान को बाबा सिद्दीकी का करीबी माना जाता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों की दोस्ती संजय दत्त के जरिए हुई थी। संजय दत्त ने ही बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड के इतने करीब लाए थे। बॉलीवुड में शाहरुख खान भी बाबा सिद्दीकी के बेहद अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वह उनके जनाजे में नहीं गए और तब भी लोग सवाल उठा रहे हैं। खैर, सलमान खान ने तो अपनी दोस्ती इस मुश्किल घड़ी में साबित कर दी है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड शॉर्ट।